गुरुदेव मुझे आपकी ना कुछ लाइनें हैं जो आपके मुझसे कई बार सुनी है कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, और कुछ किताबें पढ़ के हम जैसे, मुझे पूरी नहीं आती बट उसमें शायद आपने बात की है कि उनको परिंदों की तरह खुला आसमान दो, उड़ने दो, जैसे कि हमारे माँ बाप ने हम लोगों को स्वतंत्रता दी एक, लेकिन हम शायद वो स्वतंत्रता अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, ये निदा फाजली एक शायर हुए हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं कि बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, चार किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो किताबों का जो बोझ है, जब वो मन पर हावी हो जाता है, जब वो तन पर हावी हो जाता है, और जब वो हमारे पूरे व्यक्तित्व पर हावी हो जाता है, तो कभी कभी दोषपूर्ण भी हो जाता है। और जाने अनजाने ही हम करने कुछ अच्छा चले थे, कुछ उसके परिणाम गलत आने प्रारंभ हो जाते हैं। हमने ऐसा चाहा नहीं था, लेकिन उसके परिणाम गलत आने लगते। आपने कहा कि हमें जो स्वतंत्रता हमारे माता पिता ने दी, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, तो ये तो आप स्वयं ही इसको अनुभव कर रहे हैं, इसको अनुभूत कर रहे हैं। स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिए, स्वच्छंदता नहीं। बच्चों के विकास को पूरा आकाश उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन धुएं भरा आकाश नहीं, प्रदूषित आकाश नहीं। तो ये हमें बहुत छोटे छोटे इसके बीच आयाम है, उनको ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ऐसी अतृप्त महत्वाकांक्षाएं जो हम अपने जीवन में पूर्ण ना कर सके, उनके लिए बच्चों को हेतु बना करके उनको प्रताड़ित करना नहीं चाहिए। नहीं बन पाए आप इंजीनियर, जबरदस्ती तुले पड़े बच्चा इंजीनियर ही बनेगा। नहीं बन पाए आप साइंटिस्ट, बच्चा जरूरी नहीं आप साइंटिस्ट बने। कोई आइंस्टीन के पिताजी साइंटिस्ट नहीं थे, कोई अटल बिहारी वाजपेयी जी के पिताजी राजनेता नहीं थे। कोई एक दिव्य आत्मा अलग ढंग से जीवन में आती है, अपना अपना काम करती है, उसे हमें पहचानना और जानना चाहिए। तो हम जो जीवन में नहीं हो पाते प्राय, उस अपनी अतृप्त इच्छा को या अपने उस अधूरे ख्वाब को, अपने उस आधे अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने की जो इच्छा है, बच्चों पर लाद देते हैं। तो वो जो स्वतंत्र रूप से अपने स्वतंत्र चेतना के साथ, अपने मन मस्तिष्क के साथ जो कर सकता था वो भी नहीं कर पाता, और जो आप चाहते हैं वो तो कर ही नहीं सकता। तो ये इस मुश्किल में व्यक्तित्व खंडित हो जाता है, व्यक्तित्व में बिखराव आता है, और बाइफर्केटेड माइंड के साथ बच्चे जो भी ग्रहण करते हैं उसके कभी परिपूर्ण नतीजे हमें प्राप्त नहीं होते, उसके कम्प्लीटली रिजल्ट हमें कभी गेन नहीं होते। फिर हम फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, फिर हमें लगता है ये क्या हो गया। ये हमें बड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और दूसरा, अपने क्रियाकलापों को भी बहुत सहजता और बड़ी सूक्ष्मता से देखने की ज़रूरत है। बच्चे को अगर ये आप कह रहे हैं कि टेलीविज़न देखना अच्छी बात नहीं है, मोबाइल चलाना अच्छी बात नहीं है, तो सबसे पहले आपको स्वतः भी इसका त्याग करना होगा। आपको अपने जीवन से इन गैजेट्स के लिए स्थान को, समय को कम करना होगा, तभी आपका वो उपदेश फलीभूत हो सकता है। वाणी के बजाय व्यवहार से किया गया कार्य अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। समाज में इसलिए मूल्य प्रतिपादित नहीं हो पाते, इसलिए वैल्यूज नहीं चल पाती कि हम बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं, होते कुछ हैं। ये अगर हम इसमें एक रूपता थोड़ी सी ले आएं, और ख़ास तौर से ये शिक्षण और प्रशिक्षण के स्तर पर हो, यानी जिन्हें आप सिखाना चाहते हैं, जिनको परवरिश कर रहे हैं, जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके तालमेल में ये चीज़ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो सके, तो बहुत सारी खामियां, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सी समस्याओं से आप बच सकते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु।